हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? तुम्हारा सबाई कैमन आछो? आशा करी भालो ही आछो। तो आज आमी तुम्हारे साथे डाइट प्लान शेयर करब जेटा खूबी इफेक्टिव वेट लॉसेर जोन्नो। तो तुम्हारा एखन निश्चय भाबछो गाइस जे ओ तो निजेई मोटा हो आबार कि वेट लॉसेर जोन्नो डाइट प्लान शेयर करबे। किन्तु गाइस जारा आमाके चेने आगे थेके बा पार्सनली चेने आमाके तारा जाने आमी एर चेये आगे आरो अनेक बेशी मोटा छिलाम आर आमी प्रचुर वेट लॉस करेछि। तो आमी किभावे कोरेछी आर आमी कौन डाइट प्लान फॉलो करतम बा करी सेटा तोमादेर साथे आमी शेयर करब। आर आमाके अनेके बोलेछिलो एक्चुअली जे डाइट प्लान दीदी डाइट प्लानेर भिडियो बनाओ, तो सेजन्यई आमी डाइट प्लानेर भिडियो शेयर करब तोमादेर साथे जेटा आमी करेछि आर खूबई इफेक्टिव। আর গাইস যাতে এই ভিডিওটা সবাই বোঝে সেজন্য আমি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব, যেটাকে আমি আগের ভিডিওতেও বলেছিলাম। তো দেরি না করে লেটস গেট স্টার্টেড। तो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ डाइट प्लान शेयर करूंगी जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो गाइस ओवरवेट रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ओबेसिटी जो है ना गाइस बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मतलब सिर्फ देखने के लिए नहीं अंदर से भी हेल्थ को ख़राब कर देती है। हाँ गाइस, तो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करूंगी, मॉर्निंग टू नाइट क्या क्या खाना है आप लोगों को वो सब कुछ बोलूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो सुबह उठ के आपको जो करना है फर्स्ट चीज़ वो है, मतलब मैं एक ड्रिंक का नाम बोलूँगी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है गाइस, बहुत ही इफ़ेक्टिव है वेट लॉस के लिए, वो है जीरा वाटर। मतलब क्यूमिन सीड है ना उसका, मतलब वाटर आप लोगों को पीना है सुबह को। तो गाइस पहले तो पैन लेना है और फिर वाटर, फिर 2 टीस्पून जीरा लेना है और फिर बॉयल करने के लिए छोड़ देना है। और अभी ये हो गया है, अभी मैं इसको छान लूँगी। हो गया जीरा वाटर। जीरा जो है ना गाइस बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, और जिसका मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गाइस ये तो हो गया मॉर्निंग ड्रिंक, इसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। एक बात है गाइस, कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए, मतलब ये बहुत ही एसेंशियल है गाइस। ब्रेकफास्ट पे वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस है। लेकिन गाइस जिन लोगों का मतलब ओट्स खाने का हैबिट नहीं है तो शुरू शुरू में इंटेस्टाइनल गैस हो भी सकता है, लेकिन हैबिट हो जाने के बाद ये सिम्टम्स चला जाएगा। ओट्स बहुत ही अच्छा है, और ओट्स के अलावा आप लोग डालिया भी खा सकते हैं, और इसके साथ आप लोग 2 या 3 एग एल्बुमिन खाइए, और एक योग भी ले सकते हैं एक, लेकिन अल्टरनेट डे पे खाइए। मतलब एक एल्बुमिन तो रोज खाना है, एक योग मतलब एक दिन बाद भात खा सकते हैं एक। तो गाइस ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। आप लोगों को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच भी कुछ खाना है तो गाइस आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो जो कि सीजनल है और फ्रेश भी है। तो इसके बाद आता है लंच गाइस। लंच आप लोगों को 1 बजे तक कर लेना चाहिए। लंच में आप लोग 2 रोटी खा ही सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जिन लोगों का मतलब राइस का हैबिट है वो राइस भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए राइस का क्वांटिटी कम होना चाहिए और वेजिटेबल्स का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो डिश में 1 कप दाल रहेंगे, वेजिटेबल्स रहेंगे एंड लोकल फिश भी रहेंगे, और लास्ट में होममेड कर्ड खाना है। इसके बाद इवनिंग स्नैक्स टाइम पे आप लोग हर्बल टी पी सकते हैं, इसके अलावा जीरा वाटर भी पी सकते हैं। जीरा वाटर आप लोग दिन में 3 टाइम्स पी सकते हैं, और इसके साथ आप लोग 2 वॉलनट 5 आलमंड्स एंड 4 रेजिन खा सकते हैं। तो अभी आता है डिनर टाइम गाइस। डिनर आप लोग रात को 7:30 से 8 बजे तक कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। इतना रात करके मत खाना खाइए। तो गाइस डिनर जो करना है थोड़ा हल्का फुल्का करना है, तो डिनर में आप लोग को मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ। आप रोटी भी खा सकते हो लेकिन 1 रोटी खाना, और राइस भी खा सकते हो लेकिन 1 कप खाना, और इसके अलावा आप लोग ओट्स भी खा सकते हो, और इसके साथ आप लोग मिक्स वेजिटेबल खाइए, और उसके साथ पनीर भी ऐड कर सकते हैं तो बहुत डिलीशियस होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन इसीलिए दिया क्योंकि रोटी हर किसी को सूट नहीं करता। ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिन लोगों का है उन लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं है रोटी, तो वो लोग आराम से राइस खा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ओट्स भी खा सकते हैं। तो ये तो हो गया डिनर गाइस। डिनर आप लोगों को 7:30 to 8 PM कर लेना चाहिए। अगर आप लोग हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहती है तो प्लीज़ गाइस डिनर को जल्द से जल्द कीजिए, इतना लेट करके खाना अच्छा नहीं है। तो ये तो हो गया डिनर, और आप लोग 10 से 11 बजे तक सो जाइए, उसके आगे आप लोग को टर्मरिक मिल्क खाना है,
जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस, और वेट लॉस भी बूस्ट करता है। लेकिन जिन लोगों का लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क सूट नहीं करता है, तो वो लोग मतलब टर्मरिक टी भी खा सकते हैं, नहीं तो जीरा वाटर फिर से खा सकते हैं, क्योंकि जीरा वाटर दिन में 3 टाइम्स खा सकते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। और एक चीज़ है गाइस, आप लोग को नींद भी अच्छे से होना चाहिए, एटलीस्ट 8 आवर्स तो सोना ही चाहिए। 8 आवर्स स्लीप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको वेट लॉस में मतलब हेल्प करेगा और अदर डिजीज़ के लिए भी अच्छा है। तो गाइस नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक 1 आवर कर सकते हैं, वेट लॉस में हेल्प होगा। और बाहर का फूड मतलब जंक फूड और फास्ट फूड खाना छोड़ दीजिए, ऐसे भी ठीक नहीं है खाना। तो गाइस ये जो मैंने डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया, जिनको वेट लॉस करना है वो इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों का डायबिटीज़ है उन लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस केमन लागलो हमारे वीडियो प्लीज़ जानियो, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते भूलो ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस प्लीज़। ओके थैंक यू गाइज़।